आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज। बिल्कुल, और हमारी जो सेहत है ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है, और हमारी सेहत और हमारे माहौलियात यानी हमारी जो इन्वायरमेंट है इन दोनों का एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है। और इस एनवायरनमेंट को की हिफाजत अगर हम करते हैं तो हम उतने ही सेहतमंद भी रहेंगे। तो ये कैसे सेहतमंद रहेंगे और किस तरह से इसकी देखभाल हम करें, इसी मकसद को पूरा करने के लिए हर साल 5 जून को जो है हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। नाज़रीन, ये हम सभी जानते हैं कि हर दिन हमारी जो आबादी है मुल्क की वो बढ़ती जा रही है, और इसी के चलते हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। हमें कोशिश ये करनी है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूशन फ्री रहे। पॉल्यूशन फ्री यानी कि पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन से, वाटर पॉल्यूशन से, नॉइज़ पॉल्यूशन से और प्लास्टिक पॉल्यूशन से। जी हाँ, प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है ये हमारे सेहत के लिए कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक है, और हमारे जो वज़ीर आज़म हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी भी पूरी ये कोशिश है कि वो हमारे मुल्क को एक प्लास्टिक फ्री मुल्क बनाएं। तो नाज़रीन, इससे ये होगा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि हमारी सेहत जो है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार, हमारे समाज के लिए, हमारे मुल्क के लिए भी अहमियत रखती है। तो आज जो हमारा मौजू है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, अगर आपके इस पर किसी तरह के कोई सवालात हैं या कोई आप जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल वक्त है इस रिपोर्ट का। नाज़रीन, इंसानी सेहत का माहौलियात और आबोहवा में होने वाली तब्दीलियों से बराहे रास्त ताल्लुक है। हमारी सेहत इस बात पर भी मुनहसर है कि हम कैसी हवा में सांस ले रहे हैं, कैसा पानी पी रहे हैं और कैसी ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्तसर ये कि अच्छी सेहत के लिए माहौलियात की बेहतरी की खातिर इकदामात निहायत ज़रूरी है, और अब इस हकीकत को पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है। अगर माहौलियात और आबोहवा की बेहतरी पर तवज्जो नहीं दी जाएगी तो मजीद कई नई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। गुज़श्ता कुछ दहाइयों में कई नई बीमारियां वजूद में आईं और मुतादित पुरानी बीमारियों ने पहले से ज्यादा शदीद और ताकतवर होकर मुआशरे को मुतासर किया। इसके लिए बड़ी हद तक माहौलियात के साथ होने वाली छेड़छाड़ ही जिम्मेदार है। दरख्तों को काटने और फितरत के साथ छेड़छाड़ के नतीजे में मौसमों का तवाज़ुन और एतदाल ही मुतासर नहीं हो रहा बल्कि ये कई तरह की बीमारियों का सबब भी बन रहा है। मौसमों में आने वाली शिद्दत, मौसम गर्मा में गर्मी में गैर मामूली इजाफा हो या सर्दी के मौसम में इंतहा को पहुंचने वाली ठंड या फिर बारिश की बेअतदाली, तूफानों, जलजलों और सैलाबों की शरह में इजाफा, ये सब माहौलियात में बेअतदाली का ही नतीजा है। इन सारे अवामिल के हमारी सेहत पर वाज़े तौर पर बरहे रास्त और बिलवास्ता असरात हो रहे हैं। फिजाई आलूदगी के सबब फेफड़ों का कैंसर, दिल की बीमारी, स्ट्रोक, डायबिटीज और सांस की तकलीफ जैसे अमराज हो रहे हैं। माहौलियात के आलूदा होने का असर हमारी ग़िज़ा पर भी हो रहा है। तहकीक के मुताबिक चावल, गेहूँ और आलू में आर्सेनिक की खतरनाक हद तक मौजूदगी पाई गई है जो सेहत के लिए नए चैलेंज पैदा कर रही है। पानी के आलूदा होने की वजह से भी कई बीमारियों का खतरा लाहिक है। इसके अलावा मोटर गाड़ियों, एयर कंडीशनरों, सनती इदारों की रोज-बरोज बढ़ती हुई तादाद माहौलियाती कसाफत में इजाफा ही कर रही है। हमारे जरिए फैलाए जाने वाले कूड़े करकट में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है, और इसमें एक मर्तबा इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस प्लास्टिक की वजह से जमीन की जरखेजी तक मुतासिर हो रही है और दरिया और समंदर भी आलूदा हो रहे हैं। मजमूई तौर पर माहौलियात की आलूदगी से न सिर्फ हमारी सेहत मुतासिर हो रही है बल्कि आने वाली नस्लें भी इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेंगी। हर बरस 5 जून को माहौलियात का आलमी दिन मनाया जाता है जिसका मकसद माहौलियाती आलूदगी, आबोहवा की तब्दीली और मुसलसल खराब होती सूरतेहाल के बारे में बेदारी पैदा करना है। माहौलियात को साफ सुथरा रखना हम सब की जिम्मेदारी है, और इस सिलसिले में हमारा तआवुन इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका बरह रास्त ताल्लुक हमारी सेहत से है।
हेलो डॉक्टर, जिसमें हम बात करते हैं आपकी सेहत के बारे में, और आज हम जानेंगे कि किस तरह से सेहत और एनवायरनमेंट का एक ताल्लुक है और किस तरह से जो ये पॉल्यूशन है हमारी सेहत को इफ़ेक्ट कर रहा है, किस तरह से ये हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है, कैसे करें अपनी हिफाजत, कैसे करें इस एनवायरनमेंट की हिफाजत, क्या करें क्या ना करें, इन सभी सवालों का जवाब देंगे आज हमारे माहिरीन डॉक्टर। तो पहले आइए आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। जी हाँ, ये आपका अपने एक्सपर्ट से, अपने माहिरीन से तारुफ करवाते हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं डॉक्टर बी एल शेरवाल। आप सफदरजंग हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, बेसिकली आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत वेलकम है। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुभाष गिरी, आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर हैं, आपका भी वेलकम है डॉक्टर साहब। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रभात मलिक। डॉक्टर प्रभात मलिक एडिशनल प्रोफेसर हैं एम्स के कैंसर सेंटर में, आपका भी खैर मकदम है डॉक्टर साहब। मेरा पहला सवाल डॉक्टर शेरवाल आपसे है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इन्वायरमेंट पोल्यूशन किसे कहते हैं डॉक्टर साहब, और इसकी वजह क्या होती है, क्या वजूहत होती है इसकी? एनवायरनमेंट अगर हम देखें कि जिस माहौल में ह्यूमन बीइंग या एनिमल रहते हैं एक्चुअली, तो उसके अंदर उसकी दिनचर्या जो है, सांस लेना हो, खाना हो, पीना हो, अगर वो एक लेवल पे, जैसे हम कहते हैं क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन फूड, अगर नहीं है, वो दूषित है या कंटामिनेटेड है, तो वो एक या आवाज़, जैसे नॉइज़ पोल्यूशन की बात हो रही थी, एक कुछ डेसिबल से ऊपर ज़्यादा आवाज़ है, तो इस तरह के सारे जो चीज़ें हैं वो मिला के आपके एनवायरनमेंट को, आपके सराउंडिंग को पोल्यूट करते हैं, और उसी को हम बेसिकली पोल्यूशन कह सकते हैं। और वो अलग अलग तरीके से हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन, और इसी के ऊपर हम बात करें। और इस बार का जो थीम है एक्चुअली वो खास तौर पे, जैसे रतिका जी ने भी बताया अभी, वो है प्लास्टिक के ऊपर, प्लास्टिक पोल्यूशन, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत बड़ा खतरा है हमारे पूरे जहान के लिए। बिल्कुल डॉक्टर गिरी, अभी हमने जाना, डॉक्टर शेरवाल ने बताया किस तरह के पोल्यूशन होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन और प्लास्टिक पोल्यूशन। तो अगर हम एक एक करके चलें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हवा की, एयर पोल्यूशन की, क्योंकि सांस लेना जो है हम सभी के लिए ज़रूरी है। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जब हम सांस लेते हैं और हमारी जो एनवायरनमेंट में जो ये पोल्यूशन की वजह से सांस लेने में ऐसी क्या क्या बीमारियां हैं जो हमें कुदरत ही मिलती हैं? देखिए, हमें कुदरत में पैदा किया, यहाँ इसकी जो बनावट है वो क्लाइमेट से एक स्टार्ट होती है कि इकोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन होना चाहिए, उसमें ट्रीज भी हैं जी, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सी है, सन है, एयर है, आसमान है, सभी चीज़ों से मिलके एक एनवायरनमेंट जी। यदि उस एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस हो रही है, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हवा पे पड़ता है, जिसको हम एयर पॉल्यूशन बोलते हैं, और ये जो डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है, मेनली एयर पॉल्यूशन हमारी अपनी देन है, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री से हो, चाहे हमारे व्हीकल से हो, या हमारे दूसरे जो हम अपनी लग्जरी के लिए एसी हैं या और दूसरी सुविधाएं जो हम लेते हैं उनकी वजह से हो। और एक और ख़ास बात मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग एयर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा पैदा करते हैं वो लोग कंपैरेटिवली इससे कम इफेक्टेड रहते हैं, क्योंकि उनके पास सुविधाएं हैं, उनका हेल्थ अच्छा है, उनका खान पान अच्छा है, वो इसमें अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है पुअर, डिप्राइव्ड और पुअर कंट्रीज वाले लोग। यदि हम बीमारी की बात करें, जब हवा में पॉल्यूशन यदि है तो बहुत सारी बीमारियां हमें होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये इलनेस बोली जाए तो वो फेफड़े वाली इलनेस है, उसमें ब्रोंकल एस्थमा है, लंग्स में इन्फ्लेमेशन है जिसको हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, सीओपीडी बोलते हैं, कोर पल्मोनेल है, और इसके साथ साथ आईएलडी हो जाती है, इंटरस्टीशियल लंग डिजीज है, और इवन कैंसर लंग्स में हो जाता है। ये यहीं तक नहीं रुकता कि वो आपको सिर्फ लंग्स की डिजीज ही देगा या सिर्फ फेफड़े की ही बीमारियां देगा, इसके साथ में उसका हर सिस्टम पे इफेक्ट आता है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे हमारा
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है या दूसरे ऑर्गन है, यदि मोटे तौर पे बात की जाए तो हार्ट डिजीज होना, हाइपरटेंशन होना, इवन के डायबिटीज का डिटेरेशन होना, वहाँ हमारे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आता है, हमारी दूसरे ऑर्गन्स में कैंसर्स होती हैं। तो हवा के पॉल्यूशन की वजह से मुझे ऐसे लगता है कि हमारे शरीर का कोई भी कण बचता नहीं है जिसकी वजह से वो इफेक्ट ना हो। बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि डॉक्टर गिरी ने बताया कि ये हवा जो है, सांस तो हमें लेनी है, लेकिन इस सांस लेने में जो जो चीज़ें हम इनहेल कर रहे हैं उसका कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारी बॉडी पे, कितनी तरह के बीमारियों की जो उन्होंने बात की है वो हम उसको फेस करते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारा इन्वायरमेंट है, हमने इसे क्रिएट किया है, तो इसको साफ़ रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर ये सेहतमंद रहेगा तो हम भी सेहतमंद रहेंगे। बिल्कुल, इन्वायरमेंट और हेल्थ का एक बड़ा करीबी रिश्ता है जी, इसीलिए हमने आज ये प्रोग्राम रखा है। और हम रुख करना चाहेंगे डॉक्टर प्रभात आपका। डॉक्टर प्रभात, आप एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर साहब कैंसर को बढ़ाने में इन्वायरमेंट पोल्यूशन का क्या रोल है डॉक्टर साहब, और दूसरा इसकी वजह से कौन कौन से कैंसर होते हैं? सो आदित्य जी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। अगर हम देखें कैंसर एक बीमारी की तरह, तो कैंसर के इंसिडेंस ओवरऑल हम कम्युनिटी में जो देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इसका एक महत्वपूर्ण कारण वो हमारा जो एनवायरनमेंट जिस तरह से पॉल्यूट हो रहा है, जिस तरह से वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, हमारी लाइफस्टाइल जिस तरह से चेंज हो रही है, यही उसका एक मुख्य कारण है। जहाँ तंबाकू एक मुख्य कारण है बहुत सारे कैंसर्स कॉज करने के लिए, तो उसमें सिर्फ जो आदमी तंबाकू का सेवन कर रहा है सिर्फ वही अफेक्टेड नहीं है, जो उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं वो लोग भी अफेक्टेड हैं। तो इवेंचुअली जो तंबाकू का सेवन कर रहा है वो एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट कर रहा है, क्योंकि वो उन्हीं गैसेस को रिलीज कर रहा है, और वो एनवायरनमेंट में जो लोग स्मोक नहीं भी करते वो लोग भी अफेक्टेड हो रहे हैं, पैसिव स्मोकिंग जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जो एयर पोल्यूशन है, अगर एयर पोल्यूशन और चूंकि सीधे जो उस एयर को हम लंग्स में इनहेल करते हैं, तो सबसे कॉमन कैंसर अगर उससे जो डेवलप हो सकता है वो लंग कैंसर है। और नई रिसर्चेस बताती हैं कि उसका क्लियर जो रिलेशन है, अगर मैं एक नंबर के रूप में उसको दूं, तो अगर 10 लंग कैंसर में से एक लंग कैंसर कम से कम जो पूरा एयर पोल्यूशन को एट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो इतना अब एक ये कॉमन रिस्क फैक्टर बन के ये उभर रहा है लंग कैंसर के लिए। उसके अलावा बहुत सारे जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स हमें जो होते हैं उससे कई सारे कैंसर्स डेवलप होते हैं। डॉक्टर साहब, आप तो एक कैंसर स्पेशली लंग कैंसर के माहिरीन माने जाते हैं, और एम्स में आपकी रोज की प्रैक्टिस में डॉक्टर साहब आपने देखे होंगे कि कितने मरीज, जो आंकड़ों की अगर हम बात करें किस कदर ये आंकड़े बढ़ रहे हैं अगर हम पोल्यूशन की वजह से बात करें। जनरली लंग कैंसर कन्वेंशनली हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये स्मोकर्स की बीमारी है, लेकिन आजकल जो हम एक चेंजिंग ट्रेंड देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो लंग कैंसर से डायग्नोज हो रहे हैं जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया। अच्छा, बहुत यंग लोग, हम जनरली देखते थे पुराने समय में सुनते थे कि जो हायर एज ग्रुप में जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तब लंग कैंसर होता है, जो पूरी जिंदगी जिन्होंने तंबाकू का सेवन किया है तब जाके उससे लंग कैंसर होता है। आज ये एक मतलब बहुत भयावह स्थिति है कि भाई हम लोग बहुत यंग जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है उस एज ग्रुप में कैंसर डायग्नोसिस हो रहे हैं, काफ़ी सारे मरीज जो एडवांस स्टेज में डायग्नोस हो रहे हैं। तो ये एक चेंजिंग ट्रेंड में जनरली हमारे क्लिनिक में लंग कैंसर के केसेस में मैं देख रहा हूँ, और जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें जो बढ़ता हुआ जो चेंजिंग एनवायरनमेंट जो है, जो पोल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है, इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल, हमारे माहिरीन क्लियरली एक अलार्मिंग सिचुएशन है और हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने की बेहद ज़रूरत जी। डॉक्टर शेरवाल, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, हमारे हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना है जिसके अंदर गैसेस घर में यूज़ करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं आज भी जो गांव हैं उसके अंदर जो है मिट्टी का तेल लकड़ी पर या कोयले पर खाना बनाना, ये सब चीज़ें होती हैं। आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों का कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, कितना बैड इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पर? नहीं, देखिए, आपने जैसे बताया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि हर घर एलपीजी गैस या गैस का प्रोविज़न हो, लेकिन उसके बावजूद भी गांव में, और मैं खुद एक
गांव से आया हूँ, मुझे मालूम है कि कैसे वहाँ खाना बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल या कोयले का इस्तेमाल होता है। उसको अगर ठीक से जलाएं तो वो एक तरह से पुअर लोगों के लिए एक बेसिकली घर का खाना बनाने के लिए ठीक है, लेकिन उसके कुछ इल इफ़ेक्ट होते हैं। क्योंकि जब वो कोल जलता है या लकड़ी जलती है, उसके दो तरह के हैं। एक तो वो है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं और वो एनवायरनमेंट को दूषित करते हैं, और एक वो हाफ बर्न पार्टिकल हैं, वो भी एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। कोल के अंदर और प्रॉब्लम है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है, साथ के साथ उसमें सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसेस भी निकलती है जो स्वास्थ्य के लिए और हानिकारक हैं। और ये डायरेक्टली अभी जो है डॉक्टर प्रभात ने बताया, जो बहुत अलार्मिंग है एक्चुअली, और हमारे लिए भी और हमारे जनता के लिए भी, कि जो सिगरेट या तंबाकू का सेवन करते हैं उनमें ही ज़रूरी नहीं है कैंसर हो, आम आदमी में भी हो रहा। तो ये उसके कारक हैं बेसिकली, क्योंकि जो धुआं है, चाहे वो गाड़ी से निकलता है, चाहे वो फैक्ट्री से निकलता है या रसोई से निकलता है, वो अल्टीमेटली दूषित करता है हमारे एनवायरनमेंट को, और वो एक इम्पॉर्टेंट कारण है, बेसिकली एक रिस्क फैक्टर है टू काज दी कैंसर, और ख़ास तौर पर लंग के कैंसर। बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर शेरवाल ने बताया कि जो जिस तरह से हम कुकिंग करते हैं, जो योजनाएं हैं, जो ये उज्ज्वला योजना है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी इसकी तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, हर घर LPG गैस का जो है, तो हम भी अपने कदम आगे बढ़ाएं और LPG की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ाएं और इन सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि आप ही सुरक्षित रहेंगे इससे। बिल्कुल डॉक्टर गिरी, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, इन्वायरमेंट और हेल्थ का आपस में क्या रिश्ता है, थोड़ा उस बारे में देखिए। एनवायरनमेंट और हेल्थ, यदि एनवायरनमेंट हमारा ठीक नहीं है या दूषित है, तो हम बेसिकली सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। और यदि फ्यूचर की प्रेडिक्शंस उस तरह से देखें, जितना पॉपुलेशन 800 बिलियंस लोग आज इस पे हमारे 800 करोड़ लोग अर्थ के ऊपर हैं, जो कि पिछले 200 साल के अंदर एकदम एक ड्रास्टिक चेंज आया है पॉपुलेशन का, उस पॉपुलेशन की वजह से सारा का सारा इकोलॉजिकल सिस्टम चेंज हो गया। आपके जो फॉरेस्ट थे वो या तो एग्रीकल्चर सेक्टर में चेंज हो गए, वहाँ पे खेती लोग करने लगे, और जबकि रिसेंटली ये भी हुआ कि जो खेती वाली जमीन थी आज उसमें कंक्रीट के जंगल बन गए। तो ओवरऑल हमने ग्रीनरी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। जो लोग गांव से हैं वो लोग जानते हैं कि पहले बहुत सारी नदियां और नाले होते थे जिसमें पानी होता था, पोखरण होते थे, लेक्स होती थी, वो सब सूख गई। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा यहाँ हवा भी हमारा ख़राब हो रहा है। यदि एनवायरनमेंट में टेम्परेचर का चेंज की बात करें, तो टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जब हम अर्थ की सस्टेनेबिलिटी इकोलॉजिकल सिस्टम की देखते हैं, तो यदि वो टेम्परेचर 1.5 डिग्री के बियॉन्ड चला जाएगा, तो उसके बहुत ही डिवेस्टेटिंग इफेक्ट्स यहाँ पे आएंगे। जबकि अभी टेम्परेचर चेंजेस लेस देन 1.5 है, उसके बावजूद भी हम जो देख रहे हैं लू का प्रकोप ज़्यादा होने लगा है, हीट की वजह से दूसरी इलनेसेस ज़्यादा हो गई, फ्लड्स हैं, है ना, टॉर्नेडो आ रहे हैं, है ना, तो जगह जगह पे त्राही से का माहौल कई बार पैदा होता है, जो कि हमारे अपने बनाए हुए सिस्टम को उखाड़ता है। बेसिकली एक वार्निंग दे रहा है हमें कि हमें एनवायरनमेंट को अब सेव करना चाहिए, नहीं तो हमारा हेल्थ तो क्या, हमारा लाइफ भी मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ एक चीज और मैं बोलना चाहूँगा कि हम जो लोग इसको प्रोड्यूस, इसको सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं, उन लोगों पे सबसे पहले इसका इफेक्ट आएगा और सब्सिक्वेंटली दूसरे लोगों पे भी आएगा। और जो कंट्रीज मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट जिन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा है, आज हो सकता है उनको इसका इफेक्ट कंपेरेटिवली कम नज़र आ रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो लोग इस ज़मीन के लिए काफ़ी खतरनाक होंगे। बिल्कुल, समय समय पे हमारी जो नीति निर्धारक हैं विश्व भर में क्लाइमेट चेंज को लेके, समय समय पे हमारी सभाएं होती रहती हैं, लेकिन उनको अमली जामा पहनाना आम नागरिक का भी दायित्व है सरकार के अलावा।
इसलिए हमें अपने दायित्व को समझना होगा ताकि हम अपने आने वाले भविष्य की रक्षा कर सकें। जी डॉक्टर प्रभात, खाना बनाना और खाना जो हैबिट्स होती हैं, जो कंपोनेंट्स कौन कौन से ऐसे होते हैं उसमें जो कैंसर को डेवलप करते हैं? ये आपने बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि पोल्यूशन दरअसल दो तरह के हैं। हम जनरली जब एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो हम आउटडोर पोल्यूशन की ही बात करते रह जाते हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने चर्चा की, जो हम ईंधन जो यूज़ कर रहे हैं उससे जो बायोमास जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो बीमारी कॉज कर रही हैं। तो जो भी कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं जो इंडोर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट डायरेक्ट पड़ता है। और हम किस तरह से खाना बनाते हैं, किस तरह से हमारा घर का और किचन का पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट है, जैसे अब हमारे देश में जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं कि हर घर में एलपीजी की सुविधा हो, मैं कहूँगा ये बहुत सराहनीय कदम है। इसका जो लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट में भी आज से 5 से 10 साल के अंदर हम नज़र हम देख पाएंगे कि किस तरह से जो बीमारियां महिलाओं में जो सीधे कुकिंग करती हैं, सीधे उस उन एक्सपोजर से अफेक्ट होती हैं, उनके स्वास्थ्य पे लॉन्ग टर्म में जो उसके इफ़ेक्ट्स, जो बुरे इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, वो हम आज से 5 से 10 साल बाद महसूस कर पाएंगे। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पे खाना बनाया जाता है वो जगह प्रॉपरली वेंटिलेटेड होनी चाहिए। किचन का वेंटिलेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, शहरों में खासकर जहाँ क्लोज स्पेसेस हैं। अगर किचन बहुत अच्छे से वेंटिलेटेड नहीं है तो ना कि सिर्फ ईंधन वाला फ्यूम, उसके अलावा जो कुकिंग से जो फ्यूम जनरेट होती है, पर्टिकुलरली अगर आप डीप फ्राइंग करते हैं या अगर आप जैसे बारबेक्यूइंग करते हैं, और पर्टिकुलरली कुछ टाइप के जो खाद्य पदार्थ हैं जैसे रेड मीट और ये सबको अगर आप बहुत देर तक उसको तेज़ हीट पे जलाते हैं तो उससे भी जो टॉक्सिक फ्यूम्स डेवलप होती हैं वो कार्सिनोजेनिक हैं, मतलब उनसे कैंसर डेवलप होने का खतरा होता है। तो जो हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उस जगह की जो एयर है उसको क्लीन रखें, वो वेंटिलेटेड हो, जो ईंधन का हम उपयोग कर रहे हैं उससे कम से कम फ्यूम जनरेट हो, और जो अगर हमारी जो कुकिंग हैबिट्स हैं जिसमें फ्राइंग का कंपोनेंट ज़्यादा है तो उस समय पे वहाँ पर वेंटिलेशन ठीक होना चाहिए जिससे जो खाना बनाने वाला व्यक्ति है उसका एक्सपोजर कम से कम। बिल्कुल, तो तभी लोग एग्जॉस्ट फैन का भी इस्तेमाल करते हैं किचन वगैरह में। और डॉक्टर शेरवाल सर, अगर आपका रुख करें, डॉक्टर साहब आप बेसिकली एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर साहब ये वाटर से बॉर्न डिजीजेज हैं डॉक्टर साहब, जैसे कॉलरा है, इन सबको पैदा करने में क्या रोल है वाटर पोल्यूशन का? वाटर पोल्यूशन का रोल मैं नहीं कहूँगा, इसके कारण पोल्यूशन जो है कोलरा इटसेल्फ इज ए कारण जो है मैं कहूँगा कारण उसका। तो जब वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं, वाटर पोल्यूशन दो तीन तरह से हो सकता है। खासतौर पर जब हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो हमारा जो कॉलीफॉर्म्स हैं वो यूजली ह्यूमन एक्सक्रेटा से अगर हमारे जो सीवर हैं, पानी पीने का जो सोर्स है, वो अगर कॉन्टामिनेट होगा तो उसके कारण जो है पानी कॉन्टामिनेट होता है और उसके कारण जो है ये डायरियल डिजीज हो सकते हैं, उसमें से एक कॉलरा भी है। तो एक तो हमारा बेसिकली कॉन्टामिनेशन होता है कि ऑर्गेनिज्म या कीटाणु के कारण। दूसरा जो पोल्यूशन है उसके कारण कई बार जो टॉक्सिन्स हैं वो चाहे वो फैक्टेरियल टॉक्सिन हैं या हमारे खेती बाड़ी में जो पेस्टिसाइड यूज होते हैं उनके कारण पानी दूषित हो जाता है। तो कई सारे जो है जैसे मरकरी है या लेड है, उनका मिलने से जो है ना पानी जो है कंटामिनेट हो सकता है। तो इसीलिए पानी को जब हम बात करते हैं कि पानी को सेफ कैसे बनाया जाए, तो उसके जो अक्सर हम तरीके सोचते हैं तो उसमें हम अलग अलग तरीके से हैं। जैसे हम आरओ वाटर की बात करते हैं, आरओ एक जो है उसके थ्रू जो पानी हम घरों में, आजकल सबके घरों में पानी होता है, तो पूछते हैं कि आरओ का वाटर जो है वो पीने के लिए सेफ है या नहीं है। तो लेकिन वो हम ये कहेंगे कि उससे जो है बैक्टीरियल जो फ्लोरा है वो फिल्टर हो जाता है, हमारे जो कुछ ये हैं TDS कम हो जाता है, उसका साल्ट जो है वेरियस डस्ट है वो कम हो जाता है। तो
इसलिए वो पानी ना इतना, मैं कहूँगा कि अगर उसको को पूछे हार्मफुल है या अच्छा है, लेकिन हम कहेंगे इट इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग, सेफ फॉर ड्रिंकिंग। हाँ, अगर लेकिन अदरवाइज गांव में नहीं है मान लीजिए आरो, तो आप बॉयल करके पानी पी सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि बेसिकली जो कीटाणु हैं वो किल हो जाएंगे और पीने के लिए पानी सेफ हो जाएगा। और उसके बाद फिल्ट्रेशन, सिंपल फिल्ट्रेशन से पानी को गांव में आप साफ करके पी सकते हैं। उबला हुआ पानी तो बेहद सुरक्षित है डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब, अपने बात की आरओ की, डॉक्टर साहब वहीं पे एक सवाल अक्सर जहन में ये भी आता है कि मिनरल्स उसमें कहते हैं कि ख़त्म हो जाते हैं, तो इसमें आप क्या बताना? हाँ, ये एक डिबेट का विषय है कि कभी उसके अंदर जब हम फिल्टर करते हैं तो ये नहीं जो है उसके अंदर जब फिल्टर होते हैं तो अच्छे गुण और बुने गुण या अच्छे कीटाणु उसके साथ जो है ना वो जो है, तो बेसिकली वो हम चाहेंगे लेकिन इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, सेफ तो वो पानी सेफ है। मिनरल कुछ ज़रूर उसमें कम हो जाएंगे और क्योंकि उसका जो है पानी एसिडिक हो जाएगा जो है, थोड़े से जो मिनरल उसमें कम होते हैं, अदरवाइज उसके कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। अगर वो यूजफुल नहीं है तो हार्मफुल भी नहीं है, सेफ। डॉक्टर गिरी, वाटर पोल्यूशन की बात करें तो आपसे समझना चाहेंगे कि अगर एक पोल्यूटेड वाटर का हम पीते हैं उसे, तो किस तरह से वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए कि पोल्यूटेड वाटर हमारे अंदर ना जाए? तो कैसा पानी पिएं, कहाँ से पिएं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, जब वाटर पोल्यूशन की हम बात करते हैं तो हम तीन चार चीज़ों को हम सोच सकते हैं। एक तो हम जिसको वायरल वायरस बोलते हैं या विषाणु बोलते हैं उसका कंटैमिनेशन हो सकता है, एक बैक्टीरियल कंटैमिनेशन हो सकता है वाटर का, या फिर हैवी मेटल्स टाइप का कंटैमिनेशन हो सकता है। ओके। और कई बार टॉक्सिन्स का कंटैमिनेशन, चार पांच कंटैमिनेशंस यूजुअली हमारी बॉडी को इफेक्ट करेंगे। वायरल और बैक्टीरियल कंटैमिनेशन यूजुअली सीवर की पाइप्स आपस में हमारी वाटर सप्लाई लाइन से फटने की वजह से जो पानी का एक बार एक दूसरे से वो हो जाता है उसकी वजह से होता है। ओके। और इससे कॉमन जो डिजीज, जैसे डॉक्टर सिरवाल ने भी बोला, एक कॉलरा एक कॉमन कंडीशन है, बैक्टीरियल डिजीज है जिसकी वजह से होगा। दूसरी डायरिया की कॉमन कंडीशंस हमारे यहाँ देश में अभी भी गरीब लोगों के अंदर डायरिया छोटे बच्चों में बहुत कॉमन है। ओके। और जिसकी वजह से बहुत सारी मोर्टेलिटी भी आज की डेट में अभी तक भी इंडिया में होती रहती है। तो डायरिया, डायसेंट्री, ये कॉमन, तीन काफ़ी कॉमन कंडीशन है। उसके साथ ही वायरल डिजीज़ के दूसरे यदि बात करो तो हेपेटाइटिस एक कॉमन कंडीशन है, हेपेटाइटिस ए, जो कि रूटीन गंदा पानी पीने की वजह से हो जाता है। मेटल्स, हैवी मेटल्स लॉन्ग टर्म पे हमारे सॉलिड ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, जिसमें किडनी डैमेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉमन यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन फील्ड, जो कि हमारी नदियों को या उसको यदि पोखरों को वो कर रहा है, कंटेमिनेट कर रहा है, और वहीं से हमारी वाटर सप्लाई है तो वो भी हमारी बॉडी में जाते हैं, जिसकी वजह से आमतौर पे कैंसर होने का काफ़ी खतरा बना। ये हैवी मेटल्स की जो आपने अभी बात की है, इसको मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा समझाइए कि वो किस तरह से हम मतलब ले रहे हैं। हैवी मेटल्स हमारे कई तरह से बॉडी में जा रहा है। एक तो जो डिस्पोजल है हम लोगों का, जो भी हम यूज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं हैवी मेटल यूज हम खुद ही करते हैं। Okay. यदि एक दो चीज़ों की बात करो तो आप जैसे पुराने टाइम में हम रोटी एक बोहिया एक बोलते थे उसमें रखते थे, उसमें कपड़ा रख लेते थे, उसके अंदर रोटियां रखते थे। Okay. अब हमारी क्या हैबिट होगी कि हम उसको एल्यूमिनियम की फॉयल में यूज करते हैं, तो यहाँ ये आपका डायरेक्ट कंटेमिनेशन आपके खाने का हो रहा है। उसी तरह से ऐसे ही प्रोडक्ट जो वॉशिंग के टाइम या अदरवाइज यदि आपके सोर्स को इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से जब आपका सोर्स, वाटर सोर्स इफेक्ट हो रहा है, या इवन सीवर की कंप्लीट लाइंस जो कि आपकी नदियों में छूट जाती हैं और फिर उसको अनट्रीटेड जो वाटर वहाँ पर मिल जाता है, तो फिर सप्लाई जब आपके सिटी में आती है तो ये सारा का सारा हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स और दूसरे कंटेमिनेंट्स आपके वाटर सप्लाई में आने की वजह से हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। ओके। तो ये जो रीजंस हैं, ये सारे के सारे इस तरह से जो पानी है वो हम देखते हैं कि ख़राब होता है, और वही फिर पॉल्यूटेड वाटर जब हम पीते हैं तो हम कई सारी बीमारियां, जो जैसे कि हेपेटाइटिस बताया गया, डायरिया, डेंसिटी, ये सब बीमारियों हम इसके शिकार हो जाते हम हैं, हम इनवाइट करते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर डॉक्टर गिरी, हम अगर इस अपने फॉयल की डॉक्टर अभी बात की, तो क्या हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए जो उस तरीके से? बिल्कुल। देखिए, एल्यूमिनियम तो बहुत ही डेंजरस है। पहले एक
आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स बर्तन भी लोग यूज़ करते थे, उसमें खाना बनाते थे, यदि उसको जल्दी ज़्यादा हीट कर दो तो मेल्ट ही हो जाता है। तो जब वो हीट होता है तो उसका जो मेटल है वो आपके खाने में आएगा ही, केमिकल रिएक्शन, केमिकल उसका ऐड होगा ही होगा। तो इस तरह से हम जितना अवॉइड कर सकें ये चीज़ें बिल्कुल डॉक्टर प्रभात आपका रुख करना चाहेंगे हम एयर पोल्यूशन की अगर बात करें डॉक्टर एयर पोल्यूशन की वजह से किस तरह के कैंसर्स होने की पॉसिबिलिटी होती है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एयर पोल्यूशन की वजह से सबसे पहला जो कैंसर जो अफेक्ट होता है वो है लंग कैंसर, बिकॉज हम एयर को सीधे लंग में इनहेल करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे इन एक्सपोजर्स की वजह से, जिससे कि हमारे जो वो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं जिसमें कि हार्मफुल गैसेस के अलावा बहुत सारी हैवी मेटल्स हैं जिनकी अभी चर्चा हो रही थी, जिनका अंदर एक्सपोजर होता है, उसमें जैसे किडनी कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, इनका भी एसोसिएशन जो है इनके साथ देखा गया। ठीक है, तो कि एक चिंता का विषय है और हमें ज़रूरत है एहतियाती कदम उठाना। जी डॉक्टर शेरवाल, अब बात करते हैं प्लास्टिक्स की, जो इस बार हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम भी है, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। तो सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि हम कि क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन के हमारी हेल्थ पर। प्लास्टिक की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जब क्योंकि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, शायद आम लोगों को पता नहीं होगा कि पर ईयर इन द वर्ल्ड 400 बिलियन टन प्लास्टिक हम जनरेट करते हैं। और दुख की बात यह है कि उसमें से आधा जो है वो केवल वन टाइम यूज के लिए यूज कर रहे हैं, केवल एक बार यूज करते हैं और उसको फेंक देते हैं। और उसमें से केवल 1/10 ही, या मैं कहूँगा 10% ही जो है वो रिसाइकल हो पाता है। ओके। और कोई 20 बिलियन टन जो है वो हमारे लेक या हमारे वाटर रिसोर्स जैसे समंदर में जाके, बड़ा लोगों को लगता है कि प्लास्टिक नहीं नहीं, तो ये बड़ी अजीब बात है कि लोग जो एक बार जो हमारा प्लास्टिक जनरेट होता है वो डिग्रेड बायोडिग्रेड नहीं होता और वो सदा के लिए हमने जनरेट कर दिया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि जो प्लास्टिक है वो हमारे डे टू डे उसमें किस तरह से घुला हुआ है। तो इसलिए हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लास्टिक से हम क्या क्या नुकसान आप जो कह रहे हैं और कैसे होते हैं। प्लास्टिक का बेसिकली जैसे हम डे टू डे जिंदगी में हमारा हर चीज़ में वो है, चाहे वो पानी की बोतल हो, चाहे वो घर में खाने के बर्तन हो, चाहे वो हमारे ट्रेवल के लिए हो, चाहे वो मेकअप के सामान के लिए हो, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन जो वुमन के हेल्थ के लिए हो, बहुत सारी जगह पे प्लास्टिक का यूज़ होती है एक्चुअली जो है। और वो कहीं ना कहीं जो है हमारे शरीर पे उसका इफ़ेक्ट रहता है। अक्सर हमने देखते हैं कि जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं उसमें जो हानिकारक टॉक्सिन्स हैं, हानिकारक जो उसके यू नो अंश हैं, वो हमारे खाने के अंदर लीच आउट कर जाते हैं, यानी कि माइग्रेट कर जाते हैं, चाहे उसको आप रूम टेम्परेचर पर रखते हैं और अगर उसको गर्म करते हैं उससे खाना, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो कीटाणु वो हैं हमारे हानिकारक जो पदार्थ हैं टॉक्सिन उसके अंदर प्लास्टिक के अंदर, वो हमारे खाने में चले जाते हैं। और उस खाने में जाने के बाद वो भिन्न भिन्न तरह से जो है ना इफ़ेक्ट करते हैं। वो एक तो डायरेक्ट टॉक्सिसिटी कर सकते हैं हमारे, चाहे वो चमड़ी के ऊपर हो, हमारे शरीर के ऊपर हो, और एक जो है वो कार्सिनोजेनिक जैसे अभी हम बात कर रहे थे, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो है एंडोक्राइन। डॉक्टर साहब, हम हमारे हार्मोन के ऊपर करेंगे, एक हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, अगर आप लाइन पे हैं तो अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब अपनी बात पूरी कीजिए।
हम बात कर रहे थे कि प्लास्टिक से क्या क्या है, बाकी तो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन तीन तरह से उसका इफेक्ट रहता है, एक तो डायरेक्ट जी, और एक कार्सिनोजेनिक और एक एंडोक्राइन। उसके कारण जो है ना कई सारे इफेक्ट होते हैं, जो बर्थ डिफेक्ट काज कर सकता है, जेनेटिक इफेक्ट डाल सकता है, इम्यून सिस्टम पे डाल सकता है, तो इसलिए जो है आगे डिटेल में दूसरे जखीरा है एक तरीके से। डॉक्टर साहब फिर से हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। हेलो, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो अपना सवाल पूछिए। हेलो, तो जैसे कि डॉक्टर शेरवाल ने हमें बताया कि प्लास्टिक हम जो है अपने घर से निकालते तो हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं घूम फिर के हम ही उसे इस्तेमाल करें, इजी टू यूज है, तो लोग ये नहीं सोचते कि अभी इसके रिपरकशन आने वाले सालों में क्या होंगे। वो कहीं ना कहीं घूम फिर के हम ही इस्तेमाल करें अपने खाने में या अपने पीने के जरिए, खुद के लिए कहते हैं कब्र खोदना जी। इसको अगर हम इस तरीके से भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम आने वाले सालों को खराब कर रहे हैं अभी की सहूलियत के लिए। डॉक्टर गिरी आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब अगर हम आने वाले सालों की बात करें, जो ये इम्बैलेंस आ रहा है इन्वायरमेंट में, किस तरीके से आप देखते हैं आने वाले सालों में, इसकी वजह से क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए अभी जो हम बात करते हैं पॉपुलेशन की बात करें, तो हमने एक बिल्कुल प्लेनेट का एक पोर्शन है ना, एक तरफ ह्यूमन काइंड की तरफ झुका दिया है जी, उसमें एनिमल्स आउट होते जा रहे हैं जी, ट्रीज आउट होते जा रहे हैं, और उसी तरह से सेफ वाटर की बात करें या ड्रिंकिंग वाटर वाली रिसोर्सेज की बात करें, वो भी हमारे कम होते जा रहे हैं जी। तो जब ये चीज होगी तो फाइनली क्या होगा कि हमारे सिर्फ हेड होंगे जी, जमीन पे ट्रीज नहीं होंगे, एनिमल नहीं होंगे, सीज में एनिमल नहीं होंगे, तो सभी जब खत्म हो जाएंगे तो आदमी कैसे सर्वाइव करेगा जी। चेन तो उसी तरह से है कि आपका एनवायरनमेंट जैसे आपका हवा से बना है, पानी से बना है, सन से बना है, सोयल से बना है, है ना, आसमान से बना है, यदि सारी चीजें कोहेसिवली एक इकोलॉजिकल सिस्टम बना के रहेंगी तो उसमें एनिमल भी आपको चाहिए, ट्रीज भी आपको चाहिए, आदमी भी चाहिए, तो सब लोग इंटर रिलेटेड है। एनिमल आपका कुछ चीज खाता है, एनवायरमेंट से लेता है, आदमी कुछ चीज लेता है, ताकि वो रिप्रोड्यूस होती रहे, खत्म होती रहे। यदि हम कोई चीज ऐसी बना देते हैं जो कि बहुत आयत में है दूसरा, या वो एनवायरमेंट से हमारी खत्म ही नहीं होगी, जैसे अभी डॉक्टर शेरवाल ने बोला कि जैसे प्लास्टिक की बात करें, एक बार आपने लार ले तो डिग्रेडेबल नहीं है, तो सारी जिंदगी वो उस एनवायरमेंट में रहेगा, चाहे वो पानी के थ्रू या हमारे खाने के थ्रू, सॉइल के थ्रू, हवा के थ्रू, कहीं ना कहीं माइक्रो पार्टिकल्स के फॉर्म में वो हमारी बॉडी में जाएगा। तो वैसे देखा जाए यदि ऐसे ही चीजें चलती रही तो मुझे तो ऐसे लगता है कि दोबारा से जो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो एक बार ऐसे हुआ था कि सभ्यताएं की सभ्यताएं खत्म हो गई थी, तो ऐसी एक पॉसिबिलिटी बनती है। जब हम एनवायरनमेंट में टेम्परेचर की बात करते हैं तो आप देखिए जो जहां पर आइस के जो आपके रिसोर्सेज थे वो कितने कम हो गए जी। अल्टो टेम्परेचर जो अभी जो रेज हुआ है जितना टेम्परेचर, यदि वो थोड़ा सा 1.5 या 2.5 के राउंड जाता है तो एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, आपका आपका जो है आइस का सोर्स खत्म हो जाएगा, यानी कि पानी ड्रिंकिंग वाटर खत्म हो जाएगा, तो सी का लेवल बढ़ जाएगा, सी का लेवल बढ़ जाएगा तो फ्लड्स, सी कोस्टल एरियाज आपके डूब जाएंगे, और उसके साथ साथ जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो एनवायरमेंट में हवा गर्म होकर ऊपर जाती है तो वो जो हीट स्ट्रेसेस एनवायरमेंट पे आता है उसकी वजह से तूफान या फ्लड्स, एक्सेसिव रेन्स, ये सारी कुछ एक्सपेक्टेड है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हर व्यक्ति को, चाहे वो हिंदुस्तान में है चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में, अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। उसमें हमें ट्रीज़ के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, अपने वाटर रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, और उनको बचाने का मतलब है कि हर तरह से बैक टू दी प्रीवियस सेशन, 200 साल पहले जैसे हमारी ज़मीन थी या 300 साल पहले ज़मीन थी, उसी तरह से होना चाहिए। हम प्लास्टिक जनरेट कर रहे हैं, वो प्लास्टिक सी में जा रहा है, सी में एनिमल्स मर रहे हैं, वो प्लास्टिक टेरिटरी में जा रहा है तो वहाँ पर एनिमल्स खा के मर रहे हैं, या वो प्लांट्स में जा रहा है तो वो प्लांट्स एनिमल ले रहा है, या हम लोग उसको यूज़ करें वो हमारे बॉडी में जा रहा है। तो ओवरऑल इकोलॉजिकल सिस्टम यदि हम मेंटेन नहीं करेंगे तो सर्वाइवल अर्थ पे बड़ा मुश्किल है, और हम यदि आने वाली नस्लों के लिए इस ज़मीन को छोड़ना चाहते हैं तो हम एनवायरनमेंट की तरफ प्रति सजग रहें, प्लांट्स लगाएं
और सभी चीज़ों की तरफ ध्यान रखें ताकि हमारा एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल सिस्टम बना रहे। बिल्कुल, लेट लिव एंड लेट लिव, बड़ा फेमस हमारा भारतीय जो हमारा दर्शन शास्त्र है वो कहता है कि सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे भवंतु निरामयः। तो एक साइकिल जो है उसको हमें बना के रखना है कि सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, और वर्ल्ड में जो इन्वायरमेंट समिट्स होती हैं उनके होने से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि हर व्यक्ति को, जैसे हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को पहचानना। बिल्कुल, हम सभी को खुद ज़िम्मेदार होना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम इस एनवायरनमेंट को बचा सकें। डॉक्टर प्रभात, आपसे जानना चाहेंगे, जब भी प्लास्टिक्स की बात आती है तो अक्सर हम एक नाम सुनते हैं कि ये BPA है, ये BPA फ्री है, क्या होता है ये BPA और इसका कितना हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पे? सो BPA ज़्यादातर जो प्लास्टिक बॉटल्स जो यूज़ कर की जाती हैं उनके अंदर एक कोटिंग होती है, या उसको आप समझ सकते हैं कि उससे जनरेट होने वाला एक केमिकल है। खासकर अगर हम प्लास्टिक जो यूज़ करते हैं बर्तनों में, या उनके अंदर हम खाना बनाते हैं, या उसको अगर हम हीट करते हैं तो वो हमारे पानी में या खाने में वो मिलता है। और उसके हमारे सिर्फ एक सिस्टम पे नहीं, हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स पे उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं। जैसे कि उसका एसोसिएशन डायबिटीज़ के साथ, मोटापे के साथ, बर्थ डिफेक्ट्स के साथ, बहुत सारे जो बीमारियां हैं उनके साथ इसका एसोसिएशन एस्टैब्लिश किया गया है। इसलिए आजकल जोर ये रहता है कि आप प्लास्टिक का जो पीने के पानी में, या बच्चों को जैसे फीड कराते हैं मदर्स, उसके लिए प्लास्टिक बॉटल्स को यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर बहुत स्ट्रेस इस बात को दिया जा रहा है कि आप BPA फ्री प्लास्टिक बॉटल्स ज़्यादातर हम उस पर देखते हैं। जी, तो ये कहीं ना कहीं हमारे, ऑब्वियसली प्लास्टिक हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितना कम से कम हो सके हमें उतना कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो कोशिश की जा रही है हमारी सरकार की तरफ से, उसमें जो है हमें भी उनका हाथ जो है बढ़ाना चाहिए ताकि हम उनकी मदद कर सकें और हमारे मुल्क को जो है एक प्लास्टिक फ्री मुल्क बना सकें। बिल्कुल, अगर डॉक्टर शेरवाल सर, हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपका इनपुट जानना चाहूँगा कि जो हमारे व्हीकल्स की संख्या, जो वाहनों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, उसके बारे में आप क्या अपना रुख रखना चाहेंगे कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन को बढ़ाने में क्या भूमिका है? डॉक्टर साहब, इसी में आप अपना संदेश भी ऐड कर दीजिए। नहीं, देखिए, जहाँ तक बात है ट्रांसपोर्ट की, उसके अंदर आज की डेट में हम सब की ज़रूरत है मोबिलिटी के लिए, अच्छे से अच्छा व्हीकल हमारे पास हो, लेकिन हम उसको कैसे सेफ रख सकते हैं? और मैंने देखा कि सरकारें भी जो है इस पे काम कर रहे हैं, और जो आज से 20 साल पहले व्हीकल, ख़ास तौर पे आपने डीजल व्हीकल की हम बात करते हैं, उसमें से काफ़ी पोल्यूशन होता था, तो हमारे यहाँ देखा है कि हमने, एक तो बसेज हमारे यहाँ CNG ऑपरेटेड बसेज हैं, CNG ऑपरेटेड गाड़ियाँ हैं, और जो इनकी टेस्टिंग है अभी भारत 5 भारत 6 की बात हो रही है, तो उसके कारण जो है ना स्टैंडर्ड बड़े सीजेंटिंग हो गए। साथ में अब लेटली ये हुआ कि जो लाइफ है गाड़ी की वो फिक्स कर दी गई है, 10 साल डीजल की गाड़ी और 15 साल जो है पेट्रोल की गाड़ी, वो बहुत सराहनीय कदम है, और खाली नाम के लिए नहीं है। अब गाड़ियाँ जो हैं वो बेसिकली सील हो रही हैं, और बेसिकली गवर्नमेंट उस पर प्रयास कर रहे हैं कि वो घर से उठा के ले जाने लगे हैं। तो इनसे बड़ा एक अच्छा मतलब मैसेज है, और साथ में अभी अगले आने वाले टाइम पे हमें जाना है EV व्हीकल के ऊपर। जितना भी हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमारे मार्केट में आएंगे और डे टू डे लाइफ में हम लोग उसके साथ जुड़ेंगे, हर आदमी उसको चलाने की इच्छा जताएगा, तो मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी फर्क आएगा। हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसके अंदर जो है व्हीकल के नंबर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम उसके जो तरीके पे उसके पोल्यूशन कम करने पे काम करें, जो कि आज की डेट में मैं कहूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया पार्लियामेंट भी साइकिल से जाते हैं, वो ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम आप व्हीकल का इस्तेमाल करें, और अगर कारपूल का भी इस्तेमाल हो सके तो वो भी इस दिशा में एक सराहनीय कदम हो सकता है। यही पर हम चाहेंगे कि आप एक मैसेज भी ऐड करें कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं, क्या करें? देखिए, एनवायरनमेंट एक आदमी से नहीं बच सकता, एनवायरनमेंट में सभी की भागीदारी होगी, उसके अंदर मैं, आप और सभी दुनिया, सब मिलकर प्रयास करना पड़ेगा।
मेरा ये मानना है कि सबको मिलकर एक कदम बढ़ाना होगा और अपना कंट्रीब्यूशन दर्ज कराना होगा, चाहे वो प्लास्टिक से अपनी दूरी बनाना हो, चाहे वो यू नो स्मोकिंग बंद करने से हो, क्विट स्मोकिंग की हम बात कर सकते हैं, या आप जो है जो ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर कोशिश कर सकते हैं, आप जहां नज़दीक जाना है वहां आप रिक्शा या पैदल जा सकते हैं, और कोशिश करें कि आपके जो सराउंडिंग है, आपका जो एनवायरनमेंट है, वो आपके लिए और दूसरे लोगों के लिए सेफ रहे, हेल्दी रहे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर गिरी सर। आपका मैसेज लेना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी सराउंडिंग सभी लोग साफ रखें, ट्रीज लगाएं, कहीं पे कंटेमिनेशन चाहे वो प्लास्टिक की हो या दूसरे कूड़े की वो ना होने दें, जहाँ संभव हो गाड़ियाँ या व्हीकल यूज ना करें, पैदल जाएं या साइकिल यूज करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर मैसेज डॉक्टर प्रभात जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमें जीना है और स्वस्थ जीना है तो हमें अपने पर्यावरण को बचा के रखना होगा। अभी भी देर नहीं है, समय डरने का नहीं, चेतने का है, और हम अपनी सराउंडिंग्स को बचा के रखें, चाहे वो हवा हो, पानी हो, प्लास्टिक हो या नॉइस हो। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। हमारे जो भी माहरीन ने आज हमें जो हिदायतें दी हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, एक बार उसका सम अप कर लेते हैं। तो डॉक्टर शेरवाल ने हमें कहा कि सबका प्रयास सबके साथ हमें रहना चाहिए, आगे मिलकर बढ़ना चाहिए, और कम से कम व्हीकल का इस्तेमाल करना चाहिए, जितना ज़रूरी हो उतना पैदल चलिए जहाँ तक आप जा सकते हैं, उससे आपकी हेल्थ भी बनी रहेगी, और जो रास्ते में गाड़ियों का इस्तेमाल है जिस वजह से प्रदूषण होता है उससे भी आप बच सकते हैं। ट्रीज लगाइए, अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखिए, डॉक्टर गिरी का कहना है, और साथ में डॉक्टर प्रभात का ये कहना है कि जीना है तो सेहतमंद जीना है, अपने एनवायरनमेंट को सेफ करके चलिए, आप भी सेफ रहेंगे, आपका एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें इतनी इम्पोर्टेंट टिप्स जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हमें दी है, थैंक यू सो मच, जागरूकता पैदा की है। हमें पूरी उम्मीद है नाज़रीन कि आज की हमारी पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है hellodoctordduurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं, हमारा YouTube चैनल है डीडी उर्दू। जी बिल्कुल, अब अपनी मेज़बान रतिका मेहरा और आदित्य कुमार को दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर, तब तक लिए अपना, अपनों का, अपने बच्चों का और अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ, आदाब। आदाब। माहौलियात का सीधा ताल्लुक हमारी सेहत से है, माहौलियात के खराब होने से हमारी सेहत मुतासिर हो रही है। माहौलियात को साफ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, हमें सिर्फ जरूरी चीजें ही खरीदनी चाहिए ताकि कम से कम कूड़ा करकट फैले, पानी और बिजली की बचत की आदत बनाएं, अपनी मोटर गाड़ी के अलावा अवामी ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल करें, घर या दफ्तर में एयर कंडीशनर के इस्तेमाल को भी महदूद करें, घर और आसपास पेड़ पौधे जरूर लगाएं।